हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है इसमें बात करने वाले हैं अपकमिंग हैचबैक एंड सेडान कार्स टू बी लॉन्च इन 2022। इससे पहले मैंने आपका सेशन शेयर किया था 2022 में एसयूवी कार्स का, उसका आपने वीडियो देखा नहीं तो चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। और आज का जो सेशन है वो पर्टेन करता है टू बॉक्स एंड थ्री बॉक्स कार्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेडान कार्स के बारे में, कौन कौन सी कार्स आने वाली हैं इंडियन मार्केट में। तो देखिए, स्कोडा इंडिया स्लाविया को अनवील कर रही है 18 नवंबर को, और कार की जो डिलीवरी स्टार्ट होंगी वो एक्सपेक्ट स्टार्ट होंगी जैन 2022 से। स्लाविया के बारे में ब्रीफ आपको हाईलाइट शेयर कर सकता हूँ, रैपिड के नेक्स्ट जनरेशन पे बेस है। स्कोडा की जो कुशाक आई है उसी सेम प्लेटफॉर्म पे स्लाविया बेस होगी। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा जानकार होंगे, आई प्रेफर, मेरी थोड़ी सी ज़्यादा आप कह सकते हैं रुझान सेडान कार्स में, बेसिस की कार की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो लोअर साइड पे होती है। तो स्लाविया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स, इन टर्म्स ऑफ बेटर केबिन स्पेस, इन टर्म्स ऑफ सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी। And I'm sure with the 1-liter TSI and the 1.5 TSI, this car would likely be redefining the sedan car segment market, the Indian passenger car market. तो जैन 2022 में लॉन्च होगी, लाइकली प्राइसिंग स्टार्ट होगी करीब 50,000 रुपये कम से फ्रॉम द कोशैक। तो 9.99 लाख रुपीज़ से शुरू हो सकती है एंड कैन गो अराउंड 16 लाख रुपीज़ फॉर द टॉप ऑफ द लाइन मॉडल वाली, एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। इसी की तर्ज पर फॉक्सवैगन इंडिया वर्टस को भी लॉन्च करेगी, जैसे VW की आपको पता ही है कोशाक की सिबलिंग है आपको VW की टाइगुन, उस हिसाब से आपको ये जो गाड़ी है स्लाविया की सिबलिंग मिलेगी VW की वर्टस। और वर्टस में भी आपको बेसिकली कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे डिज़ाइन के अंदर, और कंपनी कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज में चेंज करेगी। वर्टस मोस्ट लाइकली तकरीबन 2 महीने बाद मार्च 2022 आपकी कार की डिलीवरी स्टार्ट होगी। जो अगली कार है साहब वो है होम ग्रोन मारुति सुजुकी की तरफ से, मारुति सुजुकी सियास के फेसलिफ्ट मॉडल को इंट्रोड्यूस करेगा। अब अगला जनरेशन तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि अगला जनरेशन नहीं है, इट्स अ फेसलिफ्ट मॉडल। और सियास के फेसलिफ्ट में दो बड़े परिवर्तन करने वाली है मारुति सुजुकी। एक तो जो कार का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा अनकन्फर्म सोर्सेज से है, मैं बता रहा हूँ आपको, इट वुड मोस्ट लाइकली बी इम्प्रोवाइज टू 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑन द एग्जिस्टिंग 4-speed। और सेकेंडली कार के जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल वेरियंट होगा उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सनरूफ के बारे में मारुति इज नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, तो शायद सनरूफ आपको ना मिले, लेकिन इम्प्रूव सेफ्टी, इम्प्रूव्ड आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का रिस्पॉन्स मिलेगा, और जो कार की डिज़ाइन लैंग्वेज होगी वो आपको और अप मार्केट महसूस होगी। उसी की तर्ज पे टोयोटा भी बेल्टा को इंट्रोड्यूस करेगा, जो सियास के ही आप कह सकते हैं इट वुड बी अ रीबैच मॉडल, बड़े माइनर आपको परिवर्तन मिलेंगे टोयोटा बेल्टा के रूप में, वो टोयोटा की डीलरशिप में उपलब्ध होंगी। लेकिन टोयोटा उस कार पे 3 ईयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी स्टैंडर्ड आपको ऑफर करेगा। तो बेल्टा और सियास के बारे में आपको मोस्ट लाइकली सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 में इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस होगी। जो नंबर 3 सेडान कार होगी दैट वुड बी होंडा सिटी। अब सिटी का देखिए फेसलिफ्ट नहीं है, अगला जनरेशन भी नहीं है, बेसिकली जो सिटी का मॉडल लाइनअप है उसमें आपको सिटी का हाइब्रिड एडिशन इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। आपको पता ही है पेट्रोल प्राइस कैसे स्काई रॉकेट हो गए थे, थैंक्स टू सेंटर कुछ तो चलो थोड़ी तो कमी करी, कुछ तो करी चलो, भले ही इट्स नॉट अ डिबेट इशू, इस वीडियो में कोई डिबेट का इशू नहीं है कि आप बोले कि कम है ज़्यादा है, कुछ तो कमी करी। लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस जिस तेज़ी से इस वक्त है मार्केट के अंदर, उस केस में होंडा सिटी हाइब्रिड कैन एंटर टू बी अ परफेक्ट ऑप्शन। बेसिकली इस कार के अंदर क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम 1.5 पेट्रोल आपको इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर मिलेगा ESG, जिसमें आपको बैटरी का सेटअप भी मिलेगा। तो वो बैटरी चार्ज होती रहेगी जैसे आप रेड लाइट पर जाएंगे, द कार इंजन से स्विच हो जाएगी बैटरी के ऊपर, और कुछ किलोमीटर्स की ड्राइव अपहिल पे स्लोप पे आप चाहते हैं वहाँ पे कार की बैटरी से आप यूज़ कर पाएंगे। और कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है साहब वो आपको 22 KMPL प्लस की इस हाइब्रिड एडिशन में मिलेगी। अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिटी का हाइब्रिड एडिशन आपको टॉप ऑफ द लाइन मॉडल वेरिएंट में इंट्रोड्यूस होगा, और मोस्ट लाइकली जो इसका एक शोरूम प्राइस होगा वो तकरीबन 16 लाख 17 लाख के आसपास पहुंच सकता है।
तो सिटी का हाइब्रिडेशन है जिस पे आपकी नज़र हो सकती है। तो ये सेडान कार्स के बारे में, बहुत ज़्यादा एक्शन आपको नहीं मिलेगा सेडान कार्स में, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स का जो रुझान है वो एसयूवी की तरफ है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर आप सेडान कार्स में देख रहे हैं तो उस केस में स्कोडा की स्लाविया और होंडा सिटी हाइब्रिड, ये दो कार ऐसी हैं जिस पे आपकी नज़र ज़्यादा हो सकती है। मूव करते हैं हैचबैक सेगमेंट के बारे में, टू बॉक्स कार्स के बारे में। तो साहब हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी बलिनो के फेसलिफ्ट एडिशन को इंट्रोड्यूस करेगी। ऑलरेडी बड़ा लीक्ड इमेजेस आ रही है, पता नहीं कंपनी ने लीक करी है जस्ट टू क्रिएट अ हाइप या बाजार में कैसे आ गई हैं। लेकिन साहब बलिनो का फेसलिफ्ट एडिशन के कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे और आपको कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होंगे। सेफ्टी के मामले में कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कंपनी जो एग्जिस्टिंग सेफ्टी है उसमें कुछ ज़्यादा एनहेंसमेंट करेंगी, लीविंग असाइड इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोग्राम, तो वो एक उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी कॉस्मेटिक डिज़ाइन के हिसाब से आपको बलिनो का फेसलिफ्ट एडिशन इंट्रोड्यूस होगा। साथ में टोयोटा भी ग्लांजा को भी अपडेट कर देगी, वही रीबैच वर्जन है, तो साहब वो एक बात है। तो बलिनो का फेसलिफ्ट ड्यू है फेब 2022 के अंदर मोस्ट लाइकली इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन जिस कार पे आपकी निगाह हो सकती है हैचबैक सेगमेंट में, उसके बारे में है सिट्रॉन की C3। तो सिट्रॉन C3 बेसिकली आप क्रॉसओवर कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी इसको हैचबैक के सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करेगी तो इसलिए मैं इसको हैचबैक सेगमेंट रख रहा हूँ। सिट्रॉन C3 की खास बातें ये है, दिस कार वुड बी हैविंग अ ग्राउंड क्लियरेंस विच वुड बी रेस्ड सो एज टू गिव कॉन्फिडेंस टू इंडियन कंज्यूमर्स टू ड्राइव ऑन बैड रोड्स, येट द कैबिन स्पेस वुड बी मोर इनफ सो एज टू गिव अ फीलिंग ऑफ द हैचबैक। कार में फीचर्स भी आपको आप मार्केट मिलेंगे, तो आप क्रॉसओवर के रूप में देख सकते हैं, लेकिन कंपनी सिट्रॉन इसको हैचबैक सेगमेंट में लेके आएगी इंडियन मार्केट में, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 या मिड ऑफ 2022 तक इंडियन मार्केट में आपको सिट्रॉन की C3 मास मार्केट सेगमेंट में अवेलेबल होगी। बड़ी प्रॉमिसिंग कार लगती है, जैसे कार की डिजाइनिंग लैंग्वेज है, फ्रंट फेसिया है, साइड प्रोफाइल है, इंटीरियर्स है, फंकी यूथ ओरिएंटेड आपको प्रोफाइल मिलेगा। तो जैसे इस कार के बारे में और भी जानकारियां आएंगी मैं आपके सामने वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन सिट्रॉन के C3 का इनिशियल एक वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो माइकर हल्का यूट्यूब चैनल पे आप सिट्रॉन C3 टाइप करके देख सकते हैं, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस कार। जो नेक्स्ट कार्स हैं वो है फेसलिफ्ट एडिशन ऑफ ह्यूंडई सैंट्रो एंड ग्रैंड आई10 नियोस। इन दोनों कार्स का फेसलिफ्ट एडिशन ड्यू है, सैंट्रो जब इंट्रोड्यूस हुई थी 2018 में, आई बिलीव सो आई रिमेंबर 2018 में अराउंड फेस्टिवल टाइम, कहाँ साहब आया थे दिल्ली, उस टाइम मैंने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था और कहा था कि इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रीमियम एंट्री सेगमेंट कार है, लेकिन समाओ सैंट्रो की सेल्स उतनी पिकअप नहीं हुई है। तो सैंट्रो का एक माइल्ड अपग्रेड एडिशन आप कह सकते हैं वो इंट्रोड्यूस होगा 2022 के अंदर, साथ में ग्रैंड आई10 नियोस इस कार का भी एक फेसलिफ्ट एडिशन ड्यू है, और वो एडिशन भी आपको सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में इंट्रोड्यूस होगा। तो नियोस में भी आपको माइनर आप फेसलिफ्ट कह सकते हैं, इट वोंट बी अ सब्सटैंशियल अपग्रेड जो आपको ग्रैंड आई10 नियोस में मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स बड़ा एंथुजियास्टिक है और अल्ट्रॉस ईवी को इंट्रोड्यूस करेगा इंडियन मार्केट में, एंड दिस वुड बी लाइक द थर्ड कार फ्रॉम टाटा मोटर्स इन द ईवी स्पेस आफ्टर नेक्सॉन ईवी, आफ्टर टाटा टिगोर ईवी, और अब अल्ट्रॉस ईवी की बारी है। तो जो लोग चाहते हैं हैचबैक सेगमेंट में ईवी का स्पेस का मजा विद अ 5-स्टार बिल्ड क्वालिटी, दे कैन लुक आउट फॉर टाटा अल्ट्रॉस ईवी। मारुति सुजुकी भी वैगनार ईवी को इंट्रोड्यूस करेगी मोस्ट लाइकली इन द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। कार की जो रेंज है वो थोड़ी सी आपको लिमिटेड मिलेगी जस्ट टू मेक द कार अफोर्डेबल एंड टू गिव द कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स द फेम सब्सिडी, दिस कार विल बी इंट्रोड्यूस इन द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। तो ये वो गाड़ियां हैं। और उसके अलावा साहब आपको पता ही है, मैंने पहले बताया आपको पेट्रोल के प्राइस स्काई रॉकेट पे है, तो सीएनजी सेगमेंट के अंदर 2022 में देयर वुड बी होस्ट ऑफ एडॉन्स, आपको काफ़ी सारी कार्स इंट्रोड्यूस होती हुई दिखाएंगी। देखिए मारुति की तरफ से, ह्यूंडई की तरफ से, टाटा मोटर्स की तरफ से और भी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। तो बता देता हूँ आपको, अगर आपकी नज़र है टाटा मोटर्स की तो टाटा टियागो सीएनजी, टिगोर सीएनजी और अल्ट्रा सीएनजी भी इंट्रोड्यूस हो सकती है अगर टियागो और टिगोर सीएनजी को सक्सेस मिल जाती है। तो ये टाटा मोटर्स तरफ से हो गई।
Hyundai India, apart from Santro, Nios, Aura, i20 में भी CNG ला सकती है, unofficial sources से confirmation मिली है. Official से नहीं बोल सकता because a manufacturer would only announce when they have a concrete date of the launch. तो unofficial है कि i20 आपको CNG में अवेलेबल होगी. मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG, डिजायर CNG ये कार सबको इंट्रोड्यूस करेंगी. उनके ऑलरेडी एल्टो, वैगनार, सेलेरियो, इको, एस्प्रेसो CNG में आती है. स्विफ्ट और डिजायर का CNG मॉडल भी आपको 2022 में मिलेगा. होंडा की तरफ से अमेज CNG अनऑफिशियल, अगेन बता रहा हूँ आपको, अमेज CNG भी इंडियन मार्केट में आपको 2022 में इंट्रोड्यूस है. CNG इज अ बिग मार्केट और कंसिडरिंग द फैक्ट कि CNG एज अ टेक्नोलॉजी गो ग्रीन है, कार की जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, इन द रेंज ऑफ 2 to 2.5 रुपीज़ अ किलोमीटर, तो CNG की तरफ से बिल्कुल एक रुझान बन के आता है. तो आपको होंडा की हमें CNG भी उसमें मिलेगी. और इसके अलावा साहब एक आपको कार और बता रहा हूँ जो ट्रंप के इक्के के रूप में लॉन्च हो सकती है 2022 के अंदर, और वो कार है. इसके अलावा अगर आपको एग्जिस्टिंग कार आपने शॉर्टलिस्ट कर रखी है, यू नीड टू गेट बायर्स ओपिनियन, यू नीड टू गेट और जो बायर्स हैं, ओनर्स हैं उस व्हीकल के बारे में क्या सोचते हैं, ज्वाइन इन माय कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप, सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, इंटरेक्ट करिए विद अदर बायर्स जो उस कार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या डील मिल रही है, क्या वेटिंग का स्टेटस है, कितनी जल्दी कार मिल रही है, हाउ इज द मॉडल. ऑल्दो लेट मी डिस्क्लेम टू यू, मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर नाउ फुल, आपको लिमिटेड ग्रुप्स अवेलेबल होंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ओनली ज्वाइन वन ग्रुप. इवन केस यू रिक्वायर अ प्रोफेशनल सपोर्ट, कम डाउन टू माइकार हेल्पलाइन फोरम, www.maikarhelpline.com फोरम में आइए, गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन और द प्रोफेशनल रिकमेंडेशन ऑन द ड्रीम कार यू लुकिंग टू बाय. भले न्यू कार है, यूज कार है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, एसेसरीज है, एनीथिंग यू आर कन्फ्यूज अबाउट, ऑल यू वुड गेट सपोर्ट ऑन द माइकार हेल्पलाइन फोरम. So that was all about today's session. If in case you like the video, upload zoor kariye, video ko share kariye, channel Maikar Helpline pe naye hain, subscribe kariye for the very best of updates on the auto sector. Thank you.